बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन शामी कबाब। मैं बना के फ्रीज करने लगी थी रमजान के लिए, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन। ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया हुआ है। उसके साथ पानी पीने वाला जो हमारा ग्लास होता है नॉर्मल, वो 1.5 ग्लास मैंने ये दाल का भिगोया हुआ है। 2 से 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था दाल को। उसके साथ हमें मसालों में चाहिए 1 टेबल स्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बाद में टेस्ट करके और भी ऐड कर लेंगे, नमक। उसके साथ 2.5 टीस्पून रेड पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के जीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 सिनेमन स्टिक, 3 से 4 लौंग, उसके साथ ये एक 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का। सबसे पहले ये मैंने मैयर कर लिया। ये 2 कप ही पानी है जो दाल के अंदर था, उसमें भिगी हुई थी दाल। ये मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर दाल सारी। दाल ऐड करने के बाद ये जो अदरक लहसुन है ये मैं साबित ही डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि बाद में हमने इसको पीसना ही है। उसके बाद ये सारे स्पाइसेस और ये हमारा चिकन। सारे कुछ डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे कुकर को हम। ये देखें जी, कुकर को मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको, जब ये इसकी चलना शुरू होगा वेट, तो फिर हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे, ताकि दाल भी हमारी टेंडर हो जाए अच्छी तरह और चिकन भी। तो चले, जब ये चलना स्टार्ट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने इसको 7 से 8 मिनट देने हैं जब ये चलना स्टार्ट होगा। ये देखें जी, ये चलना स्टार्ट हो गया। अब हम इसके बाद 6 से 7 मिनट वेट करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए थे, अब हम इसको खोलते हैं। ये देखें जी, अब ये जो इसके अंदर पानी है दाल में, ये देखें टेंडर हो गई है। अब ये जो इसके अंदर पानी है इसको हम आग तेज करके इस पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह हमने अच्छी तरह दाल का सारा पानी जो है वो ड्राई कर लेना है, और इसको इसके पास ही खड़े रहना, वरना हमारा जो दाल है ना वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। इसको साइडों से गाड़ते जाना और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है। इस बिल्कुल ड्राई सी दाल हो जाए चिकन। अभी 1-2 मिनट और है, तो उसके बाद में चूल्हे को बंद करूँगा। ये देखिए, हमारे दाल और चिकन का जो मिक्सचर है उसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और हमें चॉप करने में आसानी हो जाए। तब तक बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हमें इसके लिए चाहिए धनिया 1/2 कप, उसके साथ हरी मिर्ची आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, मैं इसके अंदर 6 से 7 डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लेमन जूस है। अंडा पहले मैं 1 डालूंगी, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो 2 डालूंगी। वैसे मैंने 2 अंडे रखे हैं। और 1 मीडियम साइज का प्याज था, इसको मैंने अच्छी तरह धो के और बारीक चॉप कर लिया। अब ये जो हरी मिर्चें हैं 6 से 7, मैं इसके अंदर पहले डालती हूँ 6 हरी मिर्चें, ये और ये धनिया। उसके साथ ये जो धनिया मैंने मोटा मोटा काट के रखा हुआ था ये डालूंगी। और इसको थोड़ा सा मैं चॉप कर लूंगी अच्छी तरह, ताकि मिर्चों का भी पेस्ट सा बन जाए। हरी मिर्ची और धनिया ये देखिए मैंने चॉप कर लिया। अब ये जो प्याज चॉप किया हुआ था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और ये जो 1 टीस्पून लेमन जूस है ये भी। सब चीज़ों को मिक्स करके साइड पे करते हैं। अब जो शामी कबाब का मसाला है उसको मैं चॉप कर लेती हूँ। था इसको भी मैंने थोड़ा चॉप कर लिया। अब ये मैं इसके अंदर डालती हूँ। मैं बाकी का सारा भी चॉप करती हूँ, फिर हम इनके कबाब बनाएंगे और बाकी का।
देखिए इस तरह। बाकी का भी चॉप करती हूँ फिर आती हूँ। ये देखिए जी सारा मिक्सचर मैंने चॉप कर लिया। अब बारी है इसके अंदर अंडा डालने की। पहले हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे और अंडा डालने से पहले आप इसके अंदर नमक भी टेस्ट कर लें, मैंने कर ली हुई है ना। अंडा डालने से थोड़ा सा कम होगा, आप उस हिसाब से अपना नमक भी जो भी आप जिस तरह पसंद करते हैं आप उस तरह नमक डाल लें और मिर्चें भी, और आपको लग रहा है कम तो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले इसको हाथ से मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। और मिक्सचर को ठंडा करके फिर चॉप करना है, गरम गरम को चॉप नहीं करना, ये थोड़ा दरमियाना हो जाए फिर। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि अंडा और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो धनिया वगैरह हमने डाला है, हरी मिर्चें, वो सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए। रेडी, मुझे लगता है और अंडे की जरूरत नहीं है। ये देखो इसके कबाब बनाएंगे तो ये सॉफ्ट, जो साइज और जितना आपको साइज पसंद है आप उस हिसाब से कबाब बना लें। ये देखें मुझे लग रहा है कि अब इसके अंदर अंडे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी इसकी कबाब की। ये मैं कबाब बनाती हूँ सारे, फिर उसके बाद मैं आती हूँ। ये देखें जी हमारे शामी कबाब रेडी हैं। बीच में थोड़े से मिनी हैं, वो ज़िरवा और लाइबा ने बनाए हुए हैं तो मैंने उनको वैसे ही छोड़ दिया। बाकी ये देखें कितने सारे कबाब बन गए। अब इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इनको जिप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लूँगी, और फिर जब मेरा जब दिल करेगा फिर उस टाइम आप निकाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अभी इनमें से मैं थोड़े से आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं फ्राइंग पैन के अंदर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसको करूंगी अच्छी तरह गरम और फिर हम इसके बाद इसमें कबाब फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी कबाब। इसमें लाई मारें ध्यान से, दो से तीन मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए, अब मैं इसको फ्लिप करती हूँ। इसमें लाइन मारेंगे, ये देखेंगे परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया। मैं बाकी सबको भी फ्लिप करती हूँ इस साइड से। कबाब हमारे दोनों साइड से डन हो गए हैं। अब मैं करती हूँ चूल्हे को बंद और इनको करते हैं डिश आउट। ये देखिए सॉफ्ट और क्रिस्पी शामी कबाब हमारे रेडी हो गए। शामी कबाब रेडी है, अब आप इनको बनाइएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।